हाय फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी बिजनेस ट्रेनर कॉर्पोरेट ट्रेनर मोटिवेशन स्पीकर एंड सीईओ ई मेटास ओवरसीज लिमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सी ऑफ बिलियन डॉलर कंपनी इन सी ने अपनी कंपनी में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनकी कंपनी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई अगर आप भी अपने बिजनेस में इन फार्मूलाज को इनके सक्सेस सीक्रेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी अपनी कंपनी को एक्सपेंशन के साथ साथ एक ग्लोबल कंपनी बना सकते हैं सबसे पहला मेरा प्रश्न है आर यू द सुपरमैन ऑफ योर कंपनी क्या आप अपनी कंपनी के सुपरमैन हैं मतलब अपनी कंपनी की सारी पावर्स आपके पास हैं आप मैनेजमेंट देखते हैं आप सेल्स देखते हैं आप मार्केटिंग देखते हैं आप प्रोडक्शन देखते हैं आप ही अपनी टीम का फॉलोअप देखते हैं अगर हाँ तो समझ लीजिए आपके आगे बढ़ने की संभावनाएँ बहुत कम है एक पावरफुल सक्सेसफुल सी कंपनी में एक विजनरी पर्सन की तरह होता है उसका काम होता है कंपनी के नए विजन्स को डिजाइन करना अपनी पावर्स को डेलीगेट करना और जिन लोगों को पावर को डेलीगेट किया है उनके अंदर सेकेंड लीडरशिप की भावना जनरेट करना और जैसे ही सेकेंड लीडरशिप जनरेट होती है तो आपकी सेकेंड लीडरशिप टीम आपके लिए मल्टी डॉलर कंपनी बिल्ड करने में प्रयास करती है तो अब आपको करना क्या है आपको अपने साथ एक सेकेंड लीडरशिप टीम डेवलप करनी है जिनको आप राइट्स पावर एंड ड्यूटीज़ को डेलीगेट कर सकें और आपके द्वारा दी गई पावर्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ के आधार पर वो एक बिलियन डॉलर कंपनी बिल्ड करने में आपकी हेल्प करें आपको तो केवल सुपरमैन नहीं आपको एक विजनरी पर्सन बनना है उसको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंपनी के गोल्स हैं क्या टारगेट्स हैं कैसे अचीव करने हैं उसका रोड मैप क्या होगा उसका प्लान अप क्या होगा इस चीज़ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के सी फोकस करते हैं आपको भी सिद्धांत को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आर यू वेस्टिंग योर योर टाइम इन कंपनी कंपनी क्या आप अपनी में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं उन कामों पर जो काम आपके द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि आसानी से कर सकते हैं मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेस ओनर उन छोटे छोटे कामों पर अपनी एनर्जी को लगाते हैं जो काम उनके द्वारा डेडिकेटेड स्टाफ आसानी से कर सकता है इसीलिए पावर ऑफ डेलीगेशन का इस्तेमाल करते हुए आप देखिए कि कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टीम आसानी से कंसीडर कर सकती है जैसे सेल्स मार्केटिंग प्रमोशन क्लाइंट्स फॉलोअप एंड डील क्लोजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा गया है एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर डील क्लोजिंग की राइट एंड पावर अपने पास रखता है वो अपने स्टाफ को कभी डेलीगेट ही नहीं करता कि आप भी कंज्यूमर के साथ बैठ कर अपनी डील को आसानी से क्लोज कर सकते हैं अगर डील क्लोजिंग के राइट्स एंड पावर्स आपके हाथ में हैं तो आपके ग्रोथ की संभावनाएं बहुत कम हैं इसीलिए सेकेंड लीडरशिप ऐसी जनरेट करें जो आपके बिहार पर क्लाइंट्स के साथ डील को क्लोज कर सके और आपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जा सके एंड द नेक्स्ट दैट इज आर यू फोकसिंग इन योर बिजनेस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड यू थिंक यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन नो माई फ्रेंड यू आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन यू हैव टू फॉलो सी क्यू क्यू टी दैट मीन्स कॉस्ट क्वालिटी क्वांटिटी एंड टाइम डिलीवरी ध्यान रखिएगा अगर आप चाहे लग्जरी प्रोडक्ट बनाते हो नेसेसरी प्रोडक्ट बनाते हो आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बिजनेस में कॉस्ट मैनेजमेंट ठीक तरीके से कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपका प्रॉफिट वॉल्यूम अधिक होगा क्वालिटी इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न व्हेन यू वाइक टू ग्रो यूर बिजनेस एंड द क्वान्टिटी सपोज़ आप एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है लेकिन सेल के लिए आपके पास क्वांटिटी नहीं है तब भी आप बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर नहीं ले जा सकते एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टाइम कितनी टाइम डिलीवरी में कितनी टाइम ड्यूरेशन में आप अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं अगर आप सही तरीके से कॉस्ट क्वालिटी क्वांटिटी एंड टाइम डिलीवरी पर फोकस करते हैं तो आप मार्केट में लीडर बन सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के सी इन चार फैक्टर्स पर बहुत अधिक फोकस करते हैं एंड द द नेक्स्ट दैट इज रिलेटेड टू सेल एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर हमेशा ये सोचता है कि एवरी कस्टमर इज माई कस्टमर फ्रेंड्स माइंड इट एवरी कस्टमर इज नॉट योर कस्टमर अगर मैं एप्पल कंपनी जैसे ब्रांड की बात करूं तो उनका मार्केट शेयर टेलीकॉम इंडस्ट्री में केवल तीन परसेंट है अगर सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग का मार्केट शेयर केवल फोर्टी टू परसेंट है अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे कस्टमर मेरे कस्टमर हैं तो आप राइट right पाथ पर नहीं हैं कस्टमर तीन टेंडेंसी के होते हैं प्राइस कॉन्शियस क्वालिटी कॉन्शियस एंड ब्रांड कॉन्शियस आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी आपका प्रोडक्ट या आपकी इंडस्ट्री में आप किस तरह कस्टमर को कैटर कर रहे हैं बहुत सारे कस्टमर जो प्राइस कॉन्शियस हैं उनका फोकस हमेशा कम प्राइस के प्रोडक्ट को देखना होता है लेकिन कुछ लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं उनका फोकस होता है कि कौन से प्रोडक्ट किस कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के हैं उनको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है उनको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है एंड थर्ड दैट इज ब्रांड कॉन्शियस एक ब्रांड कॉन्शियस क्लाइंट कभी भी प्राइस या क्वालिटी को फोकस नहीं करता वो तो एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही खरीदना पसंद करता है अब आपको ये देखना है कि आपकी इंडस्ट्री में आप किस तरह के क्लाइंट को कैटर करना चाहते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न वर ऑल द सी ऑफ अ बिलियन डॉलर कंपनी फॉलोज इसलिए ध्यान रखिए हर कस्टमर आपका कस्टमर नहीं है आपको तो केवल ये डिसाइड करना है कि आप प्राइस कॉन्शियस मार्केट को फीड कर रहे हैं क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट को फीड कर रहे हैं या ब्रांड कॉन्शियस मार्केट को फीड कर रहे हैं हो सकता है इनमें से दो कॉम्बिनेशन एक साथ हों लेकिन तीनों कॉम्बिनेशन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते एंड द नेक्स्ट दैट इज मोस्ट ऑफ़ द स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर हमेशा इस बात को सोचते हैं कि मेरा एम्प्लॉय मेरे पास रिटेन नहीं करता मतलब एम्प्लॉय चीज़ों को सीखता है समझता है और मूव ऑन हो जाता है तो ध्यान रखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तीन तरह से हुआ है सबसे पहले इंडस्ट्री बेस्ड रेवोल्यूशन जब एक एम्प्लॉय केवल अपने जीवन यापन के लिए केवल अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जीने के लिए एक ही कंपनी में बिना किसी विजन के लगातार काम करता था उसको लगता था कि अगर मैंने इस कंपनी में काम नहीं किया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा या मैं अपनी आजीविका को चलाने में असमर्थ हो जाऊंगा सेकंड रेवोल्यूशन दैट इज सोशल रेवोल्यूशन और सोशल रेवोल्यूशन में जो इम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो सभी के सभी इम्प्लॉयज़ एक ही विज़न पर काम करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होना चाहिए उन्हें अच्छा घर चाहिए अच्छी गाड़ी चाहिए अच्छा इन्वायमेंट चाहिए एंड द थर्ड दैट इज़ डिजिटल रेवोल्यूशन फ्रेंड्स डिजिटल रेवोल्यूशन के इस दौर में आज एक एम्प्लॉय अच्छा घर अच्छी गाड़ी अच्छी सोसाइटी अच्छे गैजेट्स के साथ साथ एक बिज़नेस का भी अच्छा इन्वॉमेंट चाहता है और वो ये चाहता है कि उसको एक ऐसा बिजनेस ओनर मिले जो उनको अपार संभावनाएं दे आगे बढ़ने की अगर उनको लगता है कि आगे बढ़ने की संभावनाएं नहीं है तो वो आपकी कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे इसीलिए अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा एटमोस्फेयर दें जहाँ वो अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने आप को तेज़ी से डेवलप कर सके और सेम कंपनी में रहने के बावजूद भी अपने आप को अपग्रेड कर सके यदि आपकी कंपनी में ऐसा नहीं है तो ध्यान रखिए आपकी कंपनी भी बिलियन डॉलर कंपनी नहीं बन पाएगी बड़ी बड़ी कंपनीज के सी ये जान चुके हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस युग में आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म अपने एम्प्लॉयज़ को देना होगा और ग्रोथ की संभावनाएं देनी होगी यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपके इंप्लॉयिज आपकी कंपनी में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और आपके साथ मिलकर आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपका साथ जरूर देंगे तो फ्रेंड्स ये थे वो पांच ऐसे सीक्रेट्स जो बिलियन डॉलर कंपनीज के सीईओज अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं अगर आप भी अपने स्मॉल स्केल बिजनेस में या मिडिल स्केल बिजनेस में इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो आसानी से आप भी एक बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं इसके अलावा बिजनेस रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत